है कि हरियाणा जो है हमारा ये हिंदुस्तान से अलग है। एक ऐसी है जी का दिल्ली में सस्ता और हमारे हरियाणा फरीदाबाद में महंगा प्रशासन है वो हमारे ऑटो को बंद कर देती है और चलान भी कर देती है। दिल्ली का ऑटो आते हैं पर हमारा जो फरीदाबाद का ऑटो वो दिल्ली नहीं जा सकता। इंस्टा फीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। देखिए जिस कदर जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, यानी कि कहें कि अगर हम दिल्ली और हरियाणा को कंपेयर करें तो ऐसे में दिल्ली में जो सीएनजी का रेट है वो लगभग 75 रुपये है और आज के समय में हरियाणा में देखें तो लगभग वही 84 रुपये के आसपास है। और मेरे साथ कहें कि बदरपुर बॉर्डर की जो ऑटो यूनियन है उसके प्रेसिडेंट और साथ में ऑटो चालक हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ते सीएनजी और पेट्रोल के दाम को लेकर ये क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोल सीएनजी का प्रयोग करते हैं तो ये लोग करते हैं। एक बार बातचीत करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी क्या कहोगे जिस तरीके से जो सीएनजी के रेट हैं दिल्ली में कुछ और है और इधर लगभग 10 रुपये का अंतर है। सर कहना क्या है भाई, सरकार तो बीजेपी की है पर ये मुझे लगे कि हरियाणा जो है हमारा ये हिंदुस्तान से अलग है। वो कैसे भाई? सरकार तो हिंदुस्तान में बीजेपी की है पर जो रेट है सीएनजी का दिल्ली में सस्ता और हमारे हरियाणा फरीदाबाद में महंगा, तो हम तो ये सोचते हैं कि शायद हिंदुस्तान से फरीदाबाद अलग है। नहीं, अब जब आप लोग सीएनजी डलवाते हैं, जो आपके ऑटो वाले हैं वो सीएनजी डलवाते हैं, वो हरियाणा में डलवाते हैं या फिर दिल्ली जाकर डलवाते हैं? नहीं सर, हम हरियाणा में डलवाते हैं क्योंकि हमारे जो ऑटो है वो हरियाणा नंबर है। दिल्ली में अगर जाते तो दिल्ली में जो दिल्ली जो प्रशासन है वो हमारे को ऑटो को बॉन्ड कर देती है और चलान भी कर देती है। नहीं, सूत्र बताते हैं, कुछ ऑटो चालक बता रहे थे कि दिल्ली के ऑटो तो यहाँ आ जाते हैं। दिल्ली के ऑटो तो पूरे आते हैं यहाँ पे। अच्छा, दिल्ली के ऑटो आते हैं पर हमारा जो फरीदाबाद का ऑटो वो दिल्ली नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ जी, तो आप प्रधान हैं, आपने आवाज़ नहीं उठाई इसकी? उठाई है हमने, अपने ट्रैफिक के जो ACP साहब हैं उनसे भी हमने ये कहा कि भाई हमारे जो दिल्ली के जो ऑटो हैं वो हमारे फरीदाबाद में आते हैं और सवारियों को लेके ना छोड़ते हैं और क्राइम भी करते हैं और वो दिल्ली भग जाते हैं और भुगतना हमें हरियाणा का ऑटो उनको। क्या कहा उन्होंने फिर? उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन दिया उन्होंने। अच्छा। अगर भाई ऐसे कि अगर दिल्ली के ऑटो फरीदाबाद में आते हैं तो मैं बोलूँगा और वो उन पर शिकंजा कसा जाएगा। आप ACP साहब की बात कर रहे हैं, आपके एक ऑटो चालक ये हमें बता रहे थे कि भाई पुलिस का ही हाथ है उनको यहाँ आने में। सर देखो, हम ये तो नहीं कह सकते पुलिस का हाथ है, क्यों? अगर देख लेंगे तो ही तो बोलेंगे ना पुलिस का हाथ है। आपने नहीं देखा? अभी हमने देखा नहीं है। आपने देखा है? ACP साहब ने मीटिंग ली थी, हमारे पास वीडियो है बाकायदा ऑलरेडी। ACP साहब बोले थे को दिल्ली वाला ऑटो आता है तो हम उसके ऊपर लगाम लगाए जाएंगे। हमारा ऑटो भूल जैसे जा भी सकता वहाँ तो तुरंत बॉन्ड कर देते, कोई धड़ाके से NCR में, पूरे फरीदाबाद में, गुड़गांव में क्राइम वो करते बदनाम फरीदाबाद वाले होते। हमारे पास वीडियो ऑलरेडी, ACP साहब ने मीटिंग ली थी, वीडियो हमारे आप देख सकते हो, उनने बोला है स्पेशल मेरे से वीडियो हमारे पास, आप कहो तो वीडियो दिखा सकते हो आपको। अब एक ऑटो वाला अगर 3 सवारी बैठा गया तो बल्ला मट गया, 90 रुपये का बैठेगा वो, 90 रुपये में 50-60 रुपये की गैस लग गई तो 40 रुपये में क्या करेगा? बच्चे इनको पाल लेगा वो, पढ़ा लेगा वो, कुछ नहीं करेगा। एक 40 रुपये में ना एक समय की हो ना वो दाल भी नहीं आती है, सब्जी नहीं आती है, तो हमारा जो ऑटो परिवार है ना इसलिए दुखी है।